हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इशप्रीत और आपका मेरे चैनल स्लिक एंड नैटी हिंदी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने घर पर रखी हुई किसी पुरानी जीन से ये स्मार्ट सी डेनिम जैकेट बना सकते हैं, जो कि इन सर्दियों में आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैकेट बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक पुरानी मेंस जीन्स, क्योंकि लेडीज जीन्स से उतना कपड़ा नहीं निकल पाएगा जितना एक जैकेट बनाने के लिए चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे ली है 32 कमर की एक पुरानी मेंस जीन्स जो मेरे पास रखी हुई थी। अब सबसे पहले आप अपनी जीन्स की पीछे वाली पॉकेट्स को उधेड़ कर निकाल दीजिए। आपको इनकी पूरी सिलाई खोलने की जरूरत नहीं है, आप बस इनकी नीचे वाली सिलाई खोल दीजिए और ऊपर से इन्हें जुड़ा ही रहने दीजिए इस तरह से। और अब हमें जीन्स में से जैकेट की बाजू का कपड़ा काटना है। इसके लिए आप जीन्स को ऐसे फोल्ड कर दीजिए और फिर नीचे वाले बॉर्डर से 18 इंच ऊपर एक लाइन मार्क कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जैकेट की बाजू की लंबाई रखनी है 17.5 इंच, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख रही हूँ। बाजू के बाद हमें जैकेट के बीच वाले यानी कि मेन वाले हिस्से के लिए कपड़ा काटना है। इसके लिए आप सबसे पहले दोनों पॉकेट्स को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। और अब क्योंकि मुझे जैकेट की लंबाई रखनी है 18 इंच, तो इसलिए हमने जो पहले लाइन मार्क करी थी, मैं उससे 19 इंच ऊपर एक दूसरी लाइन मार्क कर रही हूँ, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए रखा है। और अब हमने जो लाइंस मार्क करी हैं उन पे आप ऐसे जीन्स को काट दीजिए। इस वाले हिस्से से हम बाजू बनाएंगे और इसे अभी हम साइड पर रख देंगे। ये बीच वाला हिस्सा वो है जिससे अभी हम जैकेट का मेन वाला पार्ट बनाएंगे, और इस ऊपर वाले हिस्से को भी हम बाद में यूज करेंगे। तो चलिए इस हिस्से पे काम करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इसे ऐसे खोल दीजिए और फिर ये जो जिप वाला हिस्सा है इसे आप ऐसे काट कर हटा दीजिए, और फिर ये जो बीच की सिलाई है इसे काट दीजिए ताकि जीन्स की दोनों टांगे अलग हो जाए। इसके बाद हमें ये जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं इन्हें खोलना है, तो इसके लिए आप अपने जीन्स के हिस्सों को उल्टा कर दीजिए और फिर ये जो सिलाई है इसे उधेड़ दीजिए। सिलाई खोलने के बाद आप अपने पैंट के पीसेस को इस तरह से खोल दीजिए, और अगर उन पे कोई जेब लगी हुई है तो आप इसे काट कर हटा दीजिए। इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और इन्हें घुमा दीजिए ताकि इनका जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो। और अब आपको इसे फोल्ड करना है, लेकिन आपको इसे एकदम ऐसे हाफ में फोल्ड नहीं करना है, बल्कि आपको इसे ये जो बीच की सिलाई वाली लाइन है इस पर फोल्ड करना है ताकि ये लाइन एकदम कॉर्नर पे आ जाए। फोल्ड करने के बाद हमको इस पर जैकेट की नेक बनानी है। नेक को मैं 2.5 इंच डीप रही हूँ और चौड़ाई मार्क कर रही हूँ 3 इंच, और बस अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दीजिए ताकि नेक की शेप बन जाए। इसके बाद आप अपनी कोई भी राउंड नेक वाली टी शर्ट लीजिए, उसे बीच में से फोल्ड कीजिए और उसे जीन्स के ऊपर इस तरह रखिए ताकि उसकी जो नेक का ऊपर वाला पॉइंट है वो हमने जो नेक लाइन मार्क करी है उसके ऊपर वाले पॉइंट के एकदम ऊपर आए। ऐसा करने के बाद आप इस टी शर्ट की मदद से शोल्डर लाइन मार्क कर दीजिए। शोल्डर के बाद हमें आर्म होल बनाना है। इसके लिए आप कोई स्लीवलेस टॉप ले लीजिए, उसे भी हाफ में फोल्ड करके ऐसे रखिए कि इसका स्ट्रैप हमने जो शोल्डर लाइन बनाई थी उस पर आए, और फिर इसका आर्म होल ट्रेस कर दीजिए। आर्म होल बनाने के बाद आप इसकी लंबाई को एक बार नाप लीजिए और इसे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब बस हमने जो शेप बनाई है इसे हम काट लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा काटने के बाद आप साइड वाली लाइन मार्क कर लीजिए आर्म होल से नीचे वाले बॉर्डर तक, और फिर इस लाइन के ऊपर से काट दीजिए। अब हमारी कटिंग हो गई है, और इसके बाद आप इसे खोल दीजिए और दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखिए कि इनकी जो सीधी साइड है वो एक दूसरे की तरफ हो, और फिर ऊपर शोल्डर्स पर दोनों तरफ सीधी सिलाई दे दीजिए। मैं यहाँ पे सिलाई मशीन यूज कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो आप सुई धागे से भी ये सिलाई कर सकते हैं। और सिलाई करने के बाद आपकी जैकेट इस तरह की दिखेगी। इसे अब आप साइड पर रख दीजिए और पैंट का जो हिस्सा हमने बाजू बनाने के लिए काटा था उसे ले लीजिए। ये ऊपर और नीचे वाले पीसेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखिए ताकि दोनों पीसेस की ये जो मोटी वाली सिलाई है वो एक ही तरफ हो और दोनों पीसेस का नीचे वाला बॉर्डर एक दूसरे के ऊपर हो। अब हमें बाजू की शेप मार्क करनी है, और इसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे इस तरफ, ना कि उस तरफ जिस तरफ ये चौड़ी वाली सिलाई है। अब आपको एक दूसरा पॉइंट मार्क करना है पहले पॉइंट से उतनी दूरी पे जितनी की आपकी आर्म होल की लंबाई थी जो कि हमने पहले नापी थी। जैसे कि मेरे आर्म होल की लंबाई थी 7 इंच, तो मैं ये दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से 7 इंच दूर मार्क कर रही हूँ। और आखिर में हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे दूसरे वाले पॉइंट से 1 इंच नीचे, और फिर इस पहले वाले पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए एक घुमावदार लाइन से जो कि कुछ कुछ एस की शेप में होगी। और अब हमें अपनी बाजू का कलाई वाला हिस्सा मार्क करना है। इसके लिए आप अपनी कोई भी शर्ट लीजिए, उसे पैंट पीस पर इस तरह रखिए और फिर शर्ट की कलाई से लगभग 1/2 इंच दूर एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। और अब बस इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए, और अब आप अपनी बाजू को काट सकते हैं। लेकिन काटते टाइम बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो साइड वाली स्ट्रिप है आप इसे ना काटें, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। और बाजुओं को खोलने से पहले दोनों बाजुओं के ऊपर वाले बॉर्डर पर चौक से उनका सेंटर पॉइंट यानी कि मिडल पॉइंट मार्क कर दीजिए।
और अब हम बाजुओं को जैकेट के बाकी वाले हिस्से से जोड़ेंगे। तो इसके लिए आप इसे इस तरह से खोल दीजिए, बाजू को लीजिए, उसे खोल दीजिए और उसे जैकेट के ऊपर इस तरह से रखिए। और इस टाइम पर बाजू और जैकेट दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमने बाजू पर जो सेंटर पॉइंट मार्क किया था वो जैकेट की शोल्डर लाइन के ऊपर हो। और अब हम बाजू को जैकेट के आर्म होल से इस तरह से सिल देंगे। और इसी तरह से दूसरी बाजू को दूसरे आर्म होल से सिल दीजिए। और सिलने के बाद आपकी बाजू कुछ इस तरह की दिखेगी। बस इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जैकेट की शेप में आ रही है। अब बस हमें इसे साइड से बंद करना है। तो इसके लिए आप जैकेट को पलट दीजिए ताकि इसकी उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ आ जाए। और फिर आप साइड्स पर बाजू से लेकर नीचे वाले बॉर्डर तक इस तरह से सिलाई कर दीजिए। सिलाई करने के बाद इसे पलट लीजिए। और क्योंकि ये जैकेट है तो हम इसे बीच में से काट कर खोल देंगे। और काटते टाइम हम सिर्फ इसकी आगे वाली साइड को काटेंगे, पीछे वाली साइड को नहीं काटेंगे। और ध्यान दीजिए, मैं ये जो बीच वाली स्ट्रिप है इसके ऊपर से नहीं काट रही, इसके साइड से काट रही हूँ ताकि ये स्ट्रिप जैकेट की एक साइड का हिस्सा बन जाए। और ये साइड जिस पर ये स्ट्रिप है उसको आपको हेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी साइड को आपको हेम करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसे दो बार अंदर इस तरह से फोल्ड करिए और उस पर एक सीधी सिलाई दे दीजिए। और अब हम यूज़ करेंगे इन पीसेस को जो बाजू काटते टाइम साइड में से बच गए थे। बेसिकली इन पीसेस में से जो पार्ट हमें चाहिए है वो ये सिलाई वाली स्ट्रिप्स हैं। तो इन्हें हम ऐसे काट लेंगे और इनमें से एक स्ट्रिप को हम ऐसे दो बराबर हिस्सों में काट देंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स को अभी के लिए साइड में रख दीजिए और फिर हमारी ये जो जीन्स का ऊपर वाला पार्ट बच गया था इसे ले लीजिए और इसमें से दोनों पॉकेट्स को काट लीजिए। और फिर इन पॉकेट्स को काट के साइज में थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो अब हमारे पास एक लंबी स्ट्रिप है, दो छोटी स्ट्रिप्स हैं और ये दो पॉकेट्स हैं। हम ये लंबी वाली स्ट्रिप को जैकेट की एक साइड पे इस तरह से सिल देंगे ताकि दोनों साइड्स एक जैसी लगें, और छोटी वाली स्ट्रिप्स और पॉकेट्स को जैकेट के ऊपर इस तरह से सिल देंगे। अगर आप इन्हें सिलना नहीं चाहते तो आप मार्केट में जो फैब्रिक ग्लू मिलती है उससे इन्हें चिपका भी सकते हैं। इसके बाद फिर से जीन्स का बचा हुआ ऊपर वाला हिस्सा ले लीजिए, उसे खोल दीजिए और फिर उसमें से ये वाली स्ट्रिप को काट लीजिए और इसे जीन्स की पीछे वाली साइड पे सिल दीजिए या फिर फैब्रिक ग्लू से चिपका दीजिए इस तरह। और अब हमें अपनी जैकेट की नेक लाइन पे काम करना है। तो इसके लिए आप जीन्स के बचे हुए ऊपर वाले हिस्से से ये वेस्ट बैंड को काट लीजिए। वेस्ट बैंड काटने से पहले आप ये जो बेल्ट वाले लूप्स हैं इन्हें काट के हटा लीजिए। और वेस्ट बैंड काटते टाइम आप एकदम लाइन पर मत काटिए, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा उसके साथ काटिए जो कि बाद में सिलाई करने के काम आएगा। और एक बार आप वेस्ट बैंड को जीन से अलग कर ले तो उसे फोल्ड करके दो बराबर हिस्सों में काट दीजिए। और अब हमें इन बैंड्स को जैकेट की नेक लाइन पे सिलना है। सिलने के लिए आप बैंड को जैकेट पे इस तरह रखिए कि इसकी सीधी साइड जैकेट की सीधी साइड की तरफ हो। लेकिन सिलने से पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमें इस बैंड की कितनी लंबाई चाहिए है। तो इसके लिए आप इसे ये जो जैकेट की साइड है इसे थोड़ा आगे रखिए और फिर इसे पीछे नेक के सेंटर पॉइंट तक ले जाइए और फिर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए काट दीजिए। इसी तरह दूसरा बैंड भी लीजिए, उसे भी जैकेट के ऊपर इसी तरह रखिए और फिर उसे भी उसके जितनी लंबाई चाहिए उतने पे काट दीजिए। काटने के बाद हम दोनों बैंड्स को एक साथ जोड़ देंगे। इसके लिए आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखिए ताकि इनकी सीधी साइड एक दूसरे की तरफ हो और फिर कोने पर एक सीधी सिलाई दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पीसेस आपस में जुड़ गए हैं और ये एक सिंगल बैंड बन गया है। अब हम इसे जैकेट पे इस तरह से रखकर पूरी नेक के अराउंड एक सिलाई देंगे ताकि ये जैकेट से इस तरह से जुड़ जाए। और अब हमारी जैकेट ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब हमें इसके नीचे वाले बॉर्डर को हेम करना है। आप चाहें तो नीचे वाले बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे हेम कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी जैकेट को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दूंगी जिससे कि नीचे वाले बॉर्डर पे फ्रिंज वाला इफेक्ट आएगा जो कि मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। और हमें ये पैच जो कि उस जगह पे है जहाँ से हमने पॉकेट हटाई थी, इस पैच को भी छिपाने के लिए कुछ करना होगा। इसे छिपाने का एक तरीका ये है कि हम ऐसे कुछ फैब्रिक पैचेस लें और इसे इस पैच पर और जैकेट के और हिस्सों पर सिल दें या फिर फैब्रिक ग्लू से चिपका दें। इन फैब्रिक पैचेस को ऑनलाइन खरीदने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पैच वाले एरिया पे डिस्ट्रेस्ड यानी कि फटी हुई लुक जो कि आजकल बहुत ही चलती है वो लुक दे दीजिए। इसके लिए आप अपने पैच वाले एरिया पे इधर उधर ऐसे कट्स दे दीजिए और फिर इसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। बेसिकली धोने के बाद हमने जो कट्स दिए थे वो इस तरह के दिखने लगेंगे। और अगर आपको ऐसे व्हाइट पैचेस चाहिए तो उसके लिए आपको एक ट्वीजर या प्लकर लेना होगा और उससे जीन्स के नीले वाले धागों को खींचकर निकाल देना होगा ताकि सफेद वाले धागे दिखने लग जाएं।
ऐसा आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ये सफ़ेद वाले हिस्से बड़े होते जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैकेट के नीचे वाले बॉर्डर पर भी ऐसी फ्रिंजेस आ जाएंगी क्योंकि हमने इसे हेम नहीं किया था। और फाइनली मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से ये फैब्रिक पैचेस भी चिपका रही हूँ, ये पैच वाले हिस्से पे और जैकेट के दूसरे हिस्सों पे भी। और ये लीजिए, हमारी ये जैकेट तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे, जिन पे आप हमें ढूंढ सकते हैं स्लिक एंड नैटी नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक ले बाय।